दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर आपकी जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर की तरफ से 13 जुलाई को जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। आगे आपको बताया है NIT रायपुर इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑनलाइन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड इट्स हार्ड कॉपी आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग नॉन फैकल्टी पोजिशंस। जॉब बेसिकली यहाँ पर आपकी परमानेंट बेस पर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी क्या रहेंगी, पे स्केल यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे क्या मांगी गई है और आप इन पोस्टों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टोटल 9 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी, जिसमें देख सकते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर वैकेंसी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्टों पर वैकेंसी है और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 3 पोस्टों पर वैकेंसी है। ये बात हो गई आपकी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पर आपकी टोटल 2 पोस्टों पर वैकेंसी है। और बात करें आपके पे लेवल के बारे में, तो सैलरी यहाँ पर आपको एज पर 7th CPC के अनुसार लेवल 6 की मिल जाएगी। ग्रेड पे यहाँ पर आपका 4200 रुपये रहने वाला है। वैकेंसी डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है कि पोस्ट यहाँ पर आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रहेगी। टोटल यहाँ पर आपकी 9 पोस्टों पर वैकेंसी है। ग्रुप बी की जॉब है, ग्रेड पे यहाँ पर आपको 4200 रुपये मिल जाएगा। बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 30 साल रखी गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों ने देख रखा है कि यहाँ पर बीबीटेक और डिप्लोमा में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल और आर्किटेक्चर इंजीनियर्स को एलिजिबल किया गया है और इन पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर। यह भी आपकी ग्रुप बी की जॉब है। ग्रेड पे यहाँ पर भी आपको 4200 रुपये मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पर भी आपकी सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने फर्स्ट क्लास में बीबीटेक किया है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और आगे आपको बताया है अगर आपने फर्स्ट क्लास में डिप्लोमा किया है सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इस पोस्ट में भी अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फ्रेशर्स कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई प्रोसेस यहां पर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो फॉर्म ऑनलाइन होने आपके यहाँ पर शुरू होंगे 19 जुलाई से और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 9 अगस्त रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके बाद में आपको उसका प्रिंटआउट लेना है और उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको सेल्फ टेस्ट करना है और आपको भेज देना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके 14 अगस्त तक इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। एनवेलप में आप लोगों को लिख देना है कि आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों को यहाँ पर 1000 रुपये देनी है। अगर आप SC ST PWD या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों को यहाँ पर 500 रुपये देनी है। अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने VBTEC या फिर डिप्लोमा किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए।
अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।